नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे में सियासत अब फुटबॉल हो चली है। सियासी बॉल कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में दिखाई दे रही है। बॉल जब और जिसके हत्थे चढ़ी उसने कायदे से उछाल कर अगले पाले में पहुंचा दी। हाल फिलहाल ये बॉल राज्यपाल के खाते में दिखाई दे रही है। सरकार ने विधानसभा सत्र आहूत करने के लिए तीसरी बार प्रस्ताव राजभवन भेजा है। प्रस्ताव में उन तीन बिंदुओं का भी जवाब दिया गया है जिसपे सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्रस्ताव में सरकार अभी भी 31 जुलाई को सत्र बुलाना चाह रही है। सदन के अंदर हेल्थ प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी स्पीकर तय करेंगे, तो वहीं सत्र बुलाने का एजेंडा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। प्रस्ताव भेजने के बाद हर किसी की निगाह टिक गई है राजभवन पर कि प्रस्ताव पर कब और क्या फैसला आता है। इस बीच अविनाश पांडे ने फेसबुक पोस्ट के जरिए राज्यपाल पर निशाना साधा है और कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर #GetWillSoonGovernor कैंपेन चलाया है। वहीं बीएसपी विधायकों के विलय को लेकर मदन दिलावर ने हाईकोर्ट में फिर से गुहार लगाई है। हाईकोर्ट में कल दिलावर की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई होगी। खैर, सियासत की लड़ाई अदालत में भी जारी है और सरकार और राजभवन भी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद हर किसी के जहन में है सवाल कि कब खत्म होगा सूबे का सियासी संग्राम और किसकी होगी शह, किसकी होगी मां। राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत कैबिनेट गवर्नर साहब से कोई टकराव नहीं चाहती। हम चाहते हैं राजस्थान में ये जो पॉलिटिकल जितना झंझट हुआ वो खत्म हो जाए। कांग्रेस के बागी 19 चले गए, तीन उनके साथ निर्दलीय चले गए, उसके बावजूद हमारे पास पूर्ण कोरोना राजस्थान में ही है। आज पांडिचेरी के अंदर, गोवा के अंदर सदन चल रहे हैं। महामहिम राज्यपाल के खुद के राज्य के अंदर आने वाले दिनों के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाया हुआ है, तो वहां कोरोना नहीं। राजभवन पहुंचा प्रस्ताव तीसरी बार, लेकिन क्या अब की बार खत्म होगी तकरार? मौके की है नजाकत, सत्र है जरूरी, कब मिलेगी महामहिम की मंजूरी? और सबसे बड़ा सवाल, कब और कैसे खत्म होगा सूबे का सियासी संग्राम? बिग फाइट पे बहस आज इसी है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ पीसीसी उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी हैं, और साथ ही कांग्रेस विधायक वाजिब अली जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अर्चना शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक तरफ तो तीसरी बार प्रस्ताव भेजा गया है, इंतजार है गवर्नर की मंजूरी का कि इस बार मंजूरी मिले और 31 जुलाई से सत्र शुरू हो सके, ये कोशिश है कांग्रेस की। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया जा रहा है #GetWillSoonGovernor के तहत। क्या है इसके पीछे मंशा और इससे होगा क्या? देखिए श्वेता जी, लोकतांत्रिक देश है और इसमें हर स्तर पर अपनी मांग को रखने का अधिकार है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या सरकार के स्तर पर जो प्रोसीजर होता है जिसमें कि गवर्नर साहब से अनुरोध किया जा रहा है कि विधानसभा सत्र को आहूत किया जाए। तो ये सारी प्रक्रिया उसी के तहत है, इसलिए है क्योंकि हम ये महसूस कर रहे हैं और पूरा देश कर रहा है अब कि मेजॉरिटी की गवर्नमेंट को सत्र आहूत करने के लिए जो कुछ उसकी मांग है उस पर गौर नहीं फरमाया जा रहा। यूं कह सकते हैं कि मैं, यूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है गवर्नर की, उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन श्वेता जी जब दिखता हो सामने तो उसको जिंदा मक्खी ज्योति से निकला भी नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं जो फसाड है जिसमें कि कहा जा रहा है कि अमुक जो हमारी क्वेरीज हैं इसका जवाब दीजिए, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पार्टीसन इंटेंशन साफ दिखाई देता है। और देखिए, कोरोना तो बहाना है, अब कह रही पूरी दुनिया के कोरोना के साथ जीना है, तो फिर वो डॉक्टर्स जो जाते हैं मरीजों को देखने, वो क्या घर बैठ जाए अपने? या हम जिन लोगों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों में चले जाना चाहिए, तो वहां पे उनको डर नहीं है कोरोना का? तो ये तो विधानसभा है जहां सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा सकता है, राज्यसभा के चुनाव भी अभी हुए हैं। तो बार बार न जाने क्यों एक संवैधानिक प्रक्रिया के लिए कभी किसी रूप में संवैधानिक बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, तो कभी किसी न किसी प्रकार से बाही तौर पर ऐसी शक्तियों को सक्रिय किया जाता है कि किसी न किसी तरीके से ये शो किया जाए कि इस सरकार को हम गिराना चाहते हैं, इसके लिए हमारा पूरा मंतव्य बन चुका है। अब टॉपल करने के प्रयासों के तहत अगर आप देखें तो ये सारी प्रक्रिया है, उसका खुलासा हो चुका।
हमारे खुद के बागी लोग जो है वो बैठे हुए हरियाणा में, छत्रछाया में हरियाणा सरकार की, और जो उसके बावजूद हमारे पास मेजॉरिटी है। अब गवर्नर साहब ये कहते हैं कि आप मेजॉरिटी प्रूव करना चाहते हैं फ्लोर टेस्ट में, जब आपको एंडोर्स करके 102 विधायकों का पत्र दे चुके हैं, तो किस मेजॉरिटी की दरकार है हमको? तो ये विडंबना है इस देश में कि इस तरह से लोकतांत्रिक रूप से एक चुनी हुई सरकार जो बहुत अच्छा काम इस अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के दौरान कर रही है, उसका आप एंडोर्समेंट भी करते हो और उसके बाद उसी सरकार को आप ध्वस्त करना चाहते हो, ठीक है। और शायद इसलिए कि राज्यपाल की मंशा पर सवाल कांग्रेस की तरफ से भी उठ रहा है, सोशल मीडिया पर भी इस तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि कहीं आप लोग को नजर नहीं आता कि कोई लूप होल है, परमिशन दी जानी चाहिए, मंजूरी मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं दी जा रही है। रामलाल शर्मा जी, जो नियम कानून की बात की जाती है वो सब है, और अनुच्छेद 174 के तहत ही कहा जा रहा है कि जब कैबिनेट कॉल कर रही है तो इसमें कोई इफ एंड बेट होना नहीं चाहिए कि सत्र बुलाने को लेकर इतने सवाल, इतनी क्वेरीज, और इसके बाद अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजा गया है। साफ कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि प्रेशराइज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं दबाव है गवर्नर पर, जानबूझ कर मंजूरी नहीं दी जा रही है, यानी इनडायरेक्टली बीजेपी इन्वॉल्व। देखिए श्वेता जी, ये कांग्रेस का इतिहास इस प्रकार का रहा है कि अगर जो संवैधानिक संस्था है वो इनके अनुकूल कार्य करे तो इनको लगता है कि संस्थाएं बहुत बेहतरीन तरीके से और नियमानुसार कानून की प्रक्रिया अपनाते हुए काम कर रही है, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं अपने नियम और प्रक्रियाओं के तहत काम करती है, इनके अनुकूल नहीं होता, तो उसके लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करते हैं। एक ने अनेकों बार जब चुनाव होते हैं तो चुनावों के अनुकूल इनके फैसले नहीं आते, परिणाम नहीं आते, तो ये कहते हैं कि साहब निर्वाचन की प्रक्रिया ठीक तरीके से पारदर्शिता के साथ नहीं की गई, निर्वाचनों की जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसके साथ बेहतरीन परिणाम जो हमें हमारे आने चाहिए वो नहीं आ पाए। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के, न्यायालय के जो निर्णय आते हैं, न्यायालय के निर्णय इनके अनुकूल नहीं आते तो उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप के दौर लगाते हैं। आपने देखा होगा श्वेता जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा जो संसद के अंदर जो बिल रखा गया उस बिल की कॉपियां भी इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फाड़ने का काम किया। ये कांग्रेस का कल्चर है, इनके अनुकूल अगर फैसले हो तो इनको अच्छा लगता है, बेहतरीन लगता है, और समझते हैं कि नियमों के अनुसार काम हो रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सब हर कोई देख रहा है, सवाल ठीक है आप लोग उठा रहे, लेकिन ये जो सियासी घटनाक्रम जारी है, आप भी मानेंगे कि सत्र होगा और जाकर विधानसभा के अंदर ही कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी होगा, आर पार की लड़ाई जो चल रही है वो क्लियर हो जाएगी, तो क्यों ना सत्र बुला लिया, बीजेपी क्यों नहीं उसके साथ जा रही है? और ये जब है संविधान के अंदर है कि ठीक है 21 दिन का होता है कि कॉल आपको करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी तो बुलाया जा सकता है जी। लेकिन देखिए श्वेता जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जब कैबिनेट प्रस्ताव भेजती है महामहिम राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को सदन आहूत करने का पूरा अधिकार है, और कई बार महामहिम राज्यपाल सब विवेक के आधार के ऊपर भी निर्णय लेते हैं। अब इस कोरोना की परिस्थिति के अंदर जैसा कि जो कुछ चल रहा है, न्यायालय में मामले विचाराधीन है, कोरोना भी है, उसके अनुसार कुछ दिन आप दे दीजिए महामहिम राज्यपाल को कि विचार करें। महामहिम राज्यपाल ने कभी इनकार नहीं किया कि मैं सत्र नहीं बुलाऊंगा, लेकिन जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को तो आप पूरा कर लेने दीजिए, आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? जब आपके पास 102 का बहुमत है, आप बिल्कुल आप आपकी सरकार चल रही है, आप कैबिनेट की मीटिंग भी कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंगें भी आप कर रहे हो, आप डिपार्टमेंट में विभाग भी जा रहे हो, मंत्री अपना काम कर रहे हैं, आप करो ना, क्या दिक्कत है? सरकार आपके सरकार आपके पास बहुमत है, सरकार काम कर रही है, तो आप करो ना। राजस्थान में कि राम मंदिर बनेगा तो कोरोना खत्म हो जाएगा, तो आपके भी पास कोई तिथि है क्या? कोरोना का उन्मूलन होने वाला है, उसके बाद हम कर लेंगे। अर्चना जी, आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? आपके पास बहुमत है, मुख्यमंत्री जी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, मंत्री अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, प्रदेश का विकास करने के लिए रामलाल जी आप बोल रहे हैं जल्दबाजी है और कोरोना के साथ ही जीना है, तो जो प्रक्रिया करनी है वो इस दौरान भी होनी चाहिए। अर्चना जी, चलिए बाजी जल्दबाजी की बाजी वाली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुमत है, मुख्यमंत्री जी के पास कुर्सी है, कुर्सी है, रामलाल जी लौटे, बेहतरीन ठीक है, ठीक है रामलाल जी, वापस आपके पास लौटेंगे। वाजिब अली भी हमारे साथ है, कांग्रेस विधायक है। वाजिब जी, सवाल जो अब बहुत ज्यादा हाईलाइट है और हॉट इशू हो रखा है वो ये बीएसपी के जो 6 विधायक है जिसमें आप भी शामिल हैं, उनका कांग्रेस में शामिल होना, उनका विलय होना। अब कल एक दो और याचिकाएं लगा रहे हैं मदन दिलावर जी, यानी बीजेपी पूरी तरह से ये कोशिश में लगी है या कोशिशें जारी है, क्योंकि नियम कायदों के हिसाब से विलय नहीं हुआ है, इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। आप लोग क्या मान रहे हैं, जो हुआ वो सही हुआ, कांग्रेस के साथ ही हैं आप लोग, कोई खतरा नहीं है सरकार को, क्योंकि अब कोर्ट में मैटर है वो बीएसपी से विलय होने को लेकर ही है, अब बीएसपी की तरफ से भी याचिका जाएगी, दो याचिका बीजेपी की तरफ से लगा दी गई है। वाजिब जी, देखिए इस विलय को हुए श्वेता जी, इस विलय को हुए लगभग साल होने को आया है। इस साल के अंदर कई बार सत्र भी आहूत हुए, बिल्स भी आए, राज्यसभा इलेक्शंस हुए, सारे काम अब तक होते आए हैं।
अब तक इनको कभी इसी बात की कोई याद नहीं आई। अब जब ये एक षड्यंत्र चल रहा है, इसको हवा देने के लिए, लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने जो है कि बीएसपी का सहारा लेने की जो अभी ये एक नई प्रक्रिया चालू करी है, उसके तहत ये लोग याचिका भी लगा रहे हैं, मायावती जी से भी बयान दिलवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ जग जाहिर है, एक षड्यंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग मजबूत हैं। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से हमारे इरादों को बदल पाएंगे या परेशान कर पाएंगे। लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था, जब वोटिंग आप लोगों को करनी थी, बहुत ज्यादा सवाल भी बीएसपी के विधायकों को लेकर उठे नहीं, आप छह लोगों को लेकर उठे नहीं, तो क्या आप मानते हैं कि अभी जो स्थिति हो रही है, अस्थिर सरकार हो रही है, कितने विधायक किसके पास है? जब षड्यंत्र नहीं चल रहा था ना, षड्यंत्र तो अब चल रहा है, इनको जरूरत तो अब आई है ये सब करने की, डिस्टर्ब करने की। का तो विधानसभा सत्र के दौरान लग चुकी थी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राज्यपाल महोदय पहली बार इस तरीके का काम कर रहे हैं, अभी सारी प्रक्रिया शुरू हुई है, याचिका तो विधानसभा सत्र ठीक है। एक मिनट वाजिब जी, एक और सवाल है, क्योंकि आप कह रहे साल भर होने को आया, बिल्कुल सितंबर में आप लोगों का विलय हो गया था, कांग्रेस में शामिल हुए, ये याचिका रामलाल जी जो लगी है वो 16 मार्च को लगी है जी, 6 महीने फिर क्यों वक्त लग गया जब विलय हुआ था, और अगर वो नियम कायदे के अनुसार नहीं था तो उसी वक्त सवाल उठाना चाहिए था बीजेपी को, पहले मार्च में राज्यसभा चुनाव होने थे, क्या राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ये याचिका और ये शिकायत रखी गई थी बीजेपी की तरफ से, मदन दिलावर जी की तरफ से? एक तरफ महामहिम मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि साहब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार के ऊपर प्रदेश चलना चाहिए, और लोकतांत्रिक आधार के ऊपर भी हर व्यक्ति को अपने मत की अभिव्यक्ति करने का या अपने मताधिकार का उपयोग करने का उसको अधिकार होना चाहिए। दूसरी तरफ यही मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी 6 बसपा से जीत के आने वाले, क्या सैद्धांतिक तौर पे बसपा के इनको जो वाजिब अली जी आज करेंगे हमारी निष्ठा कांग्रेस के प्रति है, क्या वोट मांगने के लिए जब गए थे आप बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर, उस समय जनता ने आपको कांग्रेस के नाते वोट दिया, उस समय कांग्रेस के नाते आपको नकारा था और बहुजन समाज पार्टी के नाते आपको मत दिया था, क्या आपने मत लेने वालों के अपमानित करने का काम नहीं किया, क्या आपने बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे मत अपराध किया था, क्या आपने अपमानित करने का काम नहीं किया, जब एक बार भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती है तो उसके ऊपर आरोपित करने का काम कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपने बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों का विलय पिछली बार किया, 6 पार्टी अब किया, क्या आपने सैद्धांतिक और मर्यादा और नैतिकता का जवाब देने का काम किया? रामलाल जी, रामलाल जी, वाजिब जी मुझे बताने का साथ नहीं है, किन स्वार्थों की वजह से आप कांग्रेस के अंदर आए हो, किस लालसा की वजह से मध्य पर, ठीक है रामलाल जी सुनिए, रामलाल जी सुनिए, आप इतने कांग्रेस के ईमानदार नहीं हो, विधायक की आप इस्तीफा दे दिया, आपने उनको मंत्री बना दिया, आपने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के नाते इस्तीफा दे हुए विधायकों को आप मंत्री बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी तो यही किया गया, दूसरे इस्तीफा देते हैं फिर आप शामिल हो जाते हैं, जब दूसरे आपकी पार्टी में शामिल होते हैं तब ठीक है, कर्नाटक अदरवाइज बार बार इस तरह के एग्जांपल है, मणिपुर में क्या किया इन्होंने, मेघालय में 2 आदमी है इनके और इन्होंने सरकार बना ली, इनका चरित्र आप देखो, ये बोलते हैं यहाँ बैठ के, कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो सोचो यार, आपका चरित्र संविधान पीठ का निर्णय है, मंत्रिमंडल सिफारिश कर रहा है, राज्यपाल का भी पद आप गिरा रहे, आज राज्यपाल जिस तरह से केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत नुकसानदायक है, ये नहीं होना चाहिए, भारतीय संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी को पैसे के बल पर चला रहे हो, ये आपको भी भारी पड़ेगा, समय में रास्ता आप देश को दिखाओगे वो आपको भी चलना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्टर की व्यवस्था पूरी डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, स्वास्थ्य मेरा बिल्कुल ठीक है, आपसे बढ़िया रहता है, आपसे ज्यादा उम्र आपसे बढ़िया है, ठीक है ठीक है, बाबा कहने से कुछ सब स्वस्थ रहे, लेकिन ठीक है बाबा सिंह, आपका चरित्र ठीक है ठीक है, बहुत सारे उदाहरण दिए सर, एक मिनट, बाबा सिंह कंट्रोल, बाबा सिंह चलिए ठीक है ठीक है ठीक है,
भंवर सिंह जी शांत हो जाइए सर, भंवर सिंह जी ठीक है वापस आते हैं आपके पास। रामलाल जी ठीक है, आपने उदाहरण दूसरे राज्यों के भी भंवर सिंह जी दे रहे हैं, यहाँ आप बोल रहे हैं कि राज्यपाल को अधिकार है, राज्यपाल की कार्यशैली पर ही सवाल यहाँ पर कांग्रेस उठा रही है कि सब चीज साफ है अगर वो, लेकिन फिर भी वो मंजूरी नहीं दे रहे ठीक है। लेकिन एक और बात है, चलिए ठीक है भंवर सिंह जी सर सुनिए पहले बात, रामलाल जी सवाल आपसे, अब क्योंकि मदन दिलावर बीजेपी के विधायक है, दो याचिकाओं वो लगा रहे हैं, कल उस पर सुनवाई होने जा रही है बीएसपी विधायकों को लेकर, बीएसपी की तरफ से अलग, ये ऐसा नजर आ रहा है कि कांग्रेस राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहती है और बीजेपी कानूनी लड़ाई लड़ना चाहती है। देखिए श्वेता जी, हमने पहले स्पष्ट किया था कि जो कुछ हो रहा है प्रदेश के अंदर घटित हो रहा है राजनीतिक घटनाक्रम, वो सारा का सारा कांग्रेस के आपसी मतभेद का, आपसी वर्चस्व का और आपसी लड़ाई की देन है। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ, अरे सुनने की माता रखो, अरे माता रखो सुनने की, मौर सिंह जी आपको बोलने का अधिकार दिया गया, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप क्या कहने से चुप, आप चुप रहिए, आप भी बोले हो ना, आप चुप रहिए मौर सिंह जी, सारा अधिकार आपको दिया गया बोलने का, सच्चाई हम पैसे के बल पे गिरा रहे, क्या सच्चाई है पैसे के बल पे आपको बताया गया सच्चाई मध्य प्रदेश में गिराई ना, आपको बताया गया सच्चाई है, सच्चाई यही क्या बताए, आपने 600 करोड़ रुपया दे दिया विधायकों को, इसी प्रमाण है क्या, बिल्कुल प्रमाण क्या होता है, आपने अटैचिंग गिने होंगे, वो लोग बोल रहे हैं आपने गिने होंगे अटैचिंग में, आपने दिए ना, आपने देखे होंगे ना, गजेंद्र सिंह आपके पास ये आरोप ही है, प्रमाण भी आ जाएगा, प्रमाण भी आ जाएंगे ना, क्या बात है इसमें, ठीक है, सब चीजों के छुपते जी, लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक अधिकार जिनको है उन संवैधानिक अधिकारों का उनको उपयोग करना चाहिए। जब मैं पहले कह चुका कि कांग्रेस के अनुकूल अगर कोई निर्णय नहीं होते तो कांग्रेस को ये लगता है कि साहब हमने तो ऐसा चाहा था, हम क्यों नहीं हुआ, अच्छा सत्र बुलाने में बीजेपी को दिक्कत क्या, सत्र बुलाने में बीजेपी को कोई दिक्कत है क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सत्र बुलाए हैं, आप विधानसभा के अंदर फैसला कीजिए, आपने कहा 102 विधायकों की सूची हमने आपको दे दी, तो आपके पास बहुमत है ना, आप सरकार चलाइए, क्या दिक्कत है, विधानसभा में नहीं लड़ाई आपकी है, विधायक आपके नाराज हैं, बच्चों की लड़ाई आपकी है, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं करना चाहते, अरे भाई रामलाल जी आप सुनो, शांति से बहुत बोल दिया आपने, हमारे विधायक नाराज हैं तो हम देख लेंगे, आप उनको बेईमान बनाने का काम आपने किया है, प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, मंजूरी मिल चुकी है, राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि ये जितना घटनाक्रम राजनीतिक उठापटक चल रहा है, जितने सवाल बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरे राज्य दूसरे विधायकों द्वारा दूसरी पार्टियों द्वारा उठाए जा रहे हैं, आप भी मानते हैं कि सत्र बुलाया जाएगा, सब चीजें साफ हो जाएंगी और इसके साथ साथ दूसरे मुद्दे भी रहेंगे जिस पर चर्चा विधानसभा के अंदर होगी, क्योंकि आप सभी विधायकों को भेजा गया है, जो आप आवाज उठाएंगे वो विधानसभा के अंदर ही उठाएंगे, लेकिन ये लड़ाई विधायकों की विधानसभा के बाहर चल रही है। देखिए कोरोना पैंडेमिक बहुत बड़ी बीमारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया है, और जब इस तरह की कोई विशेष बात होती है तो सत्र भी बुलाया जाता है, उसमें चर्चा भी होती है और भी बिजनेस होते हैं, लेकिन जिस तरीके से महामहिम राज्यपाल महोदय बीजेपी के एजेंट और इंप्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, पहली बार तीन बार जो है मना किया जा रहा है, बार बार ही कहा जा रहा है, टालने की कोशिश करी जा रही है, ये बहुत शर्मनाक बात है, ये लोकतंत्र को और इस पद की गरिमा के खिलाफ ये काम हो रहा है, बहुत शर्म की बात है, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें सत्र बुलाना ही पड़ेगा और बिजनेस चलने देना पड़ेगा। राजस्थान की जनता ने जिस सरकार को चुन के अपने काम के लिए भेजा है उसे काम से करने से वो नहीं रोक पाएंगे, और जो ये षड्यंत्र चल रहा है इसका भी पर्दाफाश बहुत जल्दी होने वाला है। अभी रामलाल भाई कह रहे थे कि प्रमाण बताइए, प्रमाण भी आएंगे, आपकी सरकार हरियाणा के अंदर बैठ के एसओजी को रोकने की कोशिश कर रही है, डीजीपी ने 2 बार पत्र लिखा है, आपको कौन काम करने ने बताया था, सब तक के मध्य प्रदेश के एमएलए राजस्थान में आएंगे, महाराष्ट्र के एमएलए राजस्थान में आएंगे, गुजरात के एमएलए राजस्थान में आएंगे, आपको किसने बताया था वाजिब जी, लेकिन अब क्योंकि याचिका भी लगाई जा रही है, बीएसपी के विधायक 6 विधायक जिसमें आप भी शामिल हैं, ये इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या आपको कोई खतरा लगता है, आप तो उनकी मेहमान नवाजी करो, आपको एक मिनट रामलाल जी मुद्दा देखिए जो मर्जर हुआ है, जो
जो मर्जर हुआ है वो लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है। मर्जर कोई दो कंपनीज का मर्जर नहीं है कि दो सीईओ बैठ के साइन करके चले जाएं। मर्जर की प्रक्रिया होती है, स्पीकर महोदय के सामने रिक्वेस्ट हुई, उसको अप्रूवल मिला नियम प्रक्रिया के तहत ही, और वो मर्जर। अगर इन्हें लगता है ये दे आर मोर देन वेलकम, अगर इनको लगता है कि कहीं कोई चूक हुई है तो ये लोग कानूनी प्रक्रिया अपनाए, जो आप अपना रहे तो ठीक है, उसको देखा जाएगा। लेकिन इतनी हड़बड़ी क्यों है भाई, जब ये सारा प्रक्रिया चल रहा है तो इसी वक्त जो है इन्होंने ताकि इनकी जो ये हॉर्स ट्रेडिंग की जो कंपेन चल रही है, सरकार गिराने की जो कंपेन चल रही है, जनादेश का अपमान करने की जो कंपेन चल रही है, जिसमें इन्होंने महामहिम तक को नहीं छोड़ा, उस पर भी कानूनी लड़ाई अब लड़ना चाहती है बीजेपी, इसलिए याचिका ये लगाई जा रही है इस मौके पर, और राजनीतिक लड़ाई के लिए कांग्रेस तैयार है? देखिए, राजनीतिक लड़ाई ही लड़नी चाहिए, कानूनी पचड़े में इसलिए फंसाना चाहते हैं। मैंने कहा ना श्वेता जी की जो हमारे हमसे डिफेक्ट करना चाहते हैं उनके साथ इनका वरदस्त है, तो ऐसे में अब इनकी कलाई खुल गई तो डिलेइंग टैक्टिक्स है, कभी न्यायपालिका की शरण में जाते हैं, कभी महामहिम के माध्यम से उसको डिले करना चाहते हैं, बाय कर रहे हैं टाइम को। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे पास बहुमत है। जिस दिन विधानसभा का सत्र आहूत होगा, हम तो उस इंटेंशन से जा रहे हैं कि जनता के लिए पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस को सुनिश्चित कर सके और सबको विश्वास में लेकर उसके हिसाब से हर क्षेत्र का विकास कर सके। लेकिन उसके साथ साथ एक बात इनको समझनी पड़ेगी कि लड़ाई राजनीतिक है, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट की कंटिन्यूइंग वायबिलिटी को टेस्ट करते हो फ्लोर के माध्यम से, और ये जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट होते इनके सारे प्रपंच का समापन हो जाएगा, पटाक्षेप हो जाएगा। इनकी जो कंस्पिरेसी थी उसकी तो कलई खुली गई, अब ये दुविधा में डिलेमा इनका है, क्योंकि जिनको ये प्रश्न दे रहे थे जो हमसे बेवफाई कर रहे थे, आपको पता है ना बेवफाई में कोई होता है तो तीसरा होता है उसमें, तो ये तीसरा बीजेपी है और ये बेवफाई करने वाले और जो इसी पर एक लाइन में कमेंट की कलई सत्र तो आना चाहिए, सत्र बुलाया जाना चाहिए, आप मानते हैं या अभी ऐसे ही चलेगी कानूनी प्रक्रिया? श्वेता जी, मैं तो ये कहूंगा कि आज जो बेवफाई की बात करें वो कल उनके प्रति वफाई इनकी थी, मैं ये इनको नहीं भूलना चाहिए। अब जब इनकी वफाई उस समय इनके साथ ही, आज इनकी बेवफाई के नाते ये उदाहरण दे रहे हैं। अरे अर्चना जी सुनो तो सही, अर्चना जी सुनो तो सही, आपकी उस प्रदेश अध्यक्ष के नाते कितनी वफाई थी ये मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। अर्चना जी आपकी कितनी वफाई थी और किसके प्रति थी? लेकिन आज जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हो वो लड़ाई आपकी अंदरूनी है, उस अंदरूनी लड़ाई का खामियाजा 35,000 क्रॉस कर चुका है कोरोना, आने वाले समय में जनता को जवाब देना पड़ेगा। क्या आप लोगों को किसी तरह का कोई खतरा लग रहा है? खतरा सरकार के अस्थिर होने को लेकर, खतरा बीएसपी को लेकर जो याचिका लगाई गई है उसे लेकर कोई खतरा? जी कोई खतरा किसी प्रकार का नहीं है, आपसे पहले भी नियम प्रक्रिया के तहत ही ये सब काम होता आया है जो अभी हुआ है, और सरकार मजबूत है, सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा था ताकि मजबूती से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर सके, जो निरंतर करती आ रही है। ये लोग जो विकास के अच्छाई के जो काम हो रहे हैं उनको रोकने की जो प्रयास कर रहे हैं, इन षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सरकार मजबूत है, बहुमत से है, जनता के प्रति समर्पित है और काम करती रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कानूनी लड़ाई बीजेपी लड़ रही है, दो याचिका मदन दिलावर जी की तरफ से लगाई गई जिस पर सुनवाई कल होनी है। राजनीतिक लड़ाई के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लेकिन साथ ही साथ अब इंतजार है तो राज्यपाल की मंजूरी को लेकर, क्योंकि तीसरी बार यहां पर भेज दिया गया है प्रस्ताव सत्र बुलाने को लेकर, चाहते 31 जुलाई को सत्र बुलाया जाए, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है राज्यपाल पर, वो क्या इस पर फैसला लेते हैं और उसी के हिसाब से आगे की रणनीति दोनों ही पार्टियों की तरफ से तय की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर सत्र बुलाया जाएगा, फ्लोर टेस्ट हो या फिर सभी विधायक एकजुट हो, विधानसभा के अंदर ही कहीं ना कहीं समाधान इस पूरे घटनाक्रम का, इस सियासी घटनाक्रम का होगा, और इसके बाहर सिर्फ वार पलटवार ही होंगे जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही, नमस्कार।